ಶೋಕ ನಿವಾರಣ ಭೂತನಾಯಕ ಅಸುರನಿ ಕಂದನ ಕನುಮ हरसोरा में प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ ये कुश्ती का दंगल है जहाँ यहाँ स्थानीय बच्चे आज भी सुबह शाम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं और सुनने को मिला है यहाँ ऊपर एक कुंड भी है जिसमें से पानी निरंतर सतत तरीके से बहता रहता है, वो भी हम आप लोगों को यहाँ से दिखाएंगे। इस जो हनुमान जी का मंदिर है इसका भी यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के जो लोग हैं उनकी भी काफ़ी यहाँ मान्यता रही है इस मंदिर के प्रति। तो चलिए हम हमारे गाँववाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आप लोगों को यहाँ लिए चलते हैं और इस झरने का जो पानी है वो किस प्रकार पहाड़ से कलकल करते हुए नीचे की ओर बह रहा है और लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर। गाँववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम का हमेशा प्रयास रहता है कि प्रकृति के इस प्रकार के नज़ारे जो बिल्कुल हमारी आँखों को देखने के बाद इस तरीके के प्रतीत होते हैं कि मन लगता है कि ठहर सा जाता है और रुककर उन प्राकृतिक नज़ारों को देखने का मन करता है। इसी प्रकार इस झरने को देखकर हमारा भी मन इसे देखने का कर रहा है और आपको इस गाँववाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में हम लोग इस कुंड के महत्व के बारे में भी बता रहे हैं। यहाँ नीचे हमें तिवाड़ी जी ने बताया कि किस प्रकार यहाँ एक बना हुआ जो कुंड है उसमें हमेशा पानी रहता है, आसपास अगर पानी के जल स्रोत सूख भी जाते हैं तो इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। तो ये प्रकृति की ही देन है कि पहाड़ों के मध्य इस प्रकार इन पत्थरों की तलहटी के पास से पानी निकलकर और इस तरह कलकल करता हुआ बहता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे ये जो मंदिर है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और लोगों की कितनी महत्वपूर्ण आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। आस्थे को सीढ़ियों के साथ पार करते हुए हम मंदिर के मुख्य जो प्रांगण है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हम प्रयास करते हैं, यहाँ भी कदम्ब के कुछ पेड़ हमें देखने को मिले हैं या धंधोड़ा धाम के पास में भी हमें इस तरह के कदम्ब के पेड़ दिखे थे। आप देख रहे हैं ये पेड़ जो है वो कदम्ब का पेड़ है और यहाँ बिल्कुल मंदिर प्रांगण में ये पत्थरों के बीच किस प्रकार खड़ा हुआ है आज भी। ये बढ़ते हैं और आपको हनुमान जी के इस मंदिर प्रांगण में और मंदिर के दर्शन हम आप लोगों को कराते हैं। सीढ़ियां काफ़ी खड़ी और पहाड़ के ऊपर हैं। हम बिल्कुल मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। सामने ये हनुमान जी का मंदिर है जहां लोगों की भारी आस्था है और लोग यहाँ आकर और अपनी मन्नतें मांगते हैं और लोगों का मानना और कहना भी है कि उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी भी होती हैं। तो मंदिर प्रांगण से ऊपर की ओर हम एक पानी का बांध बना हुआ है उस ओर आप लोगों को लिए चलते हैं। पहाड़ थोड़ा सपाट है, झुककर आगे की ओर ही हमें चढ़ना रहेगा। चलिए हम आगे बांध की ओर बढ़ रहे हैं। सांस थोड़ा फूलने लग गई क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर
चढ़कर आ गए हैं प्रकृति के बीचों बीच। इस तरह के प्राकृतिक नज़ारे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी लोग फुर्सत के पल निकालकर इस तरह की जगह को भ्रमण करने के लिए जरूर आएँ। प्राचीन समय में साधु तपस्या करते थे और इसमें नीचे जो कुटिया बनी है उसमें वो विचरण करते थे, रहते थे। साथ में आसपास का ये बिल्कुल जंगल भरा रास्ता है जहाँ से हम लोग आगे बांध की ओर बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर पहाड़ी को चढ़ने के बाद ये ऊपर की तरफ पहाड़ों के मध्य एक पानी का जल स्रोत कुंड के रूप में बना हुआ है और यहाँ से पानी रिस कर नीचे की ओर झरने के रूप में मंदिर प्रांगण तक पहुँच रहा है। और काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद हम इस जल स्रोत के पास पहुँचे हैं। जस्ट इसके ऊपर जो आगे की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वहाँ भी ऊपर से हमें पानी का कुछ जो जल स्रोत है वो निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है और स्थानीय लोगों ने कहा कि उसके ऊपर भी इसी प्रकार का कोई जल स्रोत बना हुआ है। प्रकृति के मध्य जल संरक्षण का एक अच्छा स्ट्रक्चर ये स्वतः ही प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इसे यहाँ के जो जंगल के जीव जंतु हैं उन्हें ना सिर्फ पीने के लिए पानी की उपलब्धता हो पाती है, साथ में नीचे रिसकर जब ये पानी नीचे की ओर जा रहा है तो पानी के पीने के रूप में भी और साथ में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जा रहा है। तो हमारा प्रयास रहता है इसी प्रकार रविवार को आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर कार्यक्रम के साथ आप लोगों को इसी प्रकार के कुछ प्राकृतिक स्थलों के साथ रूबरू कराया जाए। ऐसे प्राकृतिक स्थल जो हमारे आसपास हैं, अपनी आँखों से ओझल हैं, उन्हें हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का प्रयास करते हैं। अब हम वापस ऊपर का जो जल स्रोत का रिकॉर्डिंग करने के बाद नीचे की तरफ वापस उतर रहे हैं। बिल्कुल सपाट है, उतरने के लिए थोड़ा हमें सावधानी से उतरना पड़ेगा और इन पहाड़ों के बिल्कुल कटी हुई चट्टानों के सहारे सहारे नीचे की ओर हम इस प्रकार उतर रहे हैं। और अगर आप इस जगह आएँ तो थोड़ा सावधानी पूर्वक तरीके से इन पहाड़ियों को इस प्रकार पैर जमा कर, क्योंकि फिसलन है बिल्कुल गहरी, नीचे सपाट खाई है और उसी प्रकार आपको चलते हुए आगे की ओर जाना है। तो आप देख रहे हैं ये हरसोरा का पूरा गांव चारों तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। दो किले हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ से नोड़िया भी निकल के नीचे की ओर गया है। एक तरफ इधर की तरफ पहाड़ पे किला है तो दूसरी तरफ भी आपको ऊंचाई पर किला नज़र आ रहा है। पूरा हरसोरा गांव आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। लोग नीचे मंदिर के पास कुंड में स्नान करने के लिए भी लोग आए हुए हैं। आगे फिसलन है, थोड़ा सावधानी से हमें चलना है। और हमारा आज का दिन काफ़ी दर्शनीय स्थल को देखने के साथ साथ नए प्राकृतिक नज़ारे को देखने का भी रहा और हमें कुछ प्रकृति की ऐसी नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि जीवन में जब भी समय आपको लगे तो प्रकृति के मध्य आकर कुछ समय बिताएं। प्रकृति आपको एक तरीके से रिचार्ज करने का काम करेगी और नया उत्साह, नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार करेगी। आपको इस तरह के प्राकृतिक जल स्रोत, प्राकृतिक स्थल और दर्शनीय धार्मिक स्थल भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। तो गांववाणी का प्रयास रहता है इसी प्रकार कुछ नई रोचक जानकारियों को ढूंढकर, उनका फिल्मांकन कर आप लोगों तक पहुँचाने का। तो हम पूरी गांववाणी टीम को, विशेषकर हमारे कैमरामैन कुलदीप जी का भी धन्यवाद करते हैं कि सुबह भोर से पहले उठकर और इस प्रकार इन नज़ारों के मध्य जाकर और ऊर्जा के साथ इन्हें रिकॉर्ड कर और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे, अगर आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म गांववाणी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ में हमारे सभी कार्यक्रमों को आप ज़रूर अपडेट देखने के लिए हमारे गांववाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।